एक अखबार में एक ही पन्ने पर छपी दो अलग अलग खबरों से ये साफ हो जाता है कि भारत में बोलने की कितनी आजादी है। एक तरफ जर्मनी में पीएम मोदी के G7 देशों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री स्पीच की गारंटी देने वाले दस्तावेज पर दस्तखत करने की खबर है और दूसरी तरफ दिल्ली में एक पत्रकार की गिरफ्तारी की खबर है। ये दो खबरें भारतीय लोकतंत्र की हालत को बयां करती हैं। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने पत्रकार जुबैर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है, वही आरोप जो बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर लगा। नुपुर के बयान के बाद देश भर में दंगे फैले, दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई, लेकिन मजाल की गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को हाथ भी लगा दे। और वहीं पत्रकार जुबैर अहमद को एक पुरानी ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या यही वो रामराज है जिसे स्थापित करने का दावा संघ ही अक्सर करते हैं? कौन है जुबैर अहमद वो भी जान लीजिए। जुबैर अहमद ओल्ट न्यूज के को-फाउंडर हैं। ओल्ट न्यूज फेक न्यूज की पड़ताल करता है, ऑनलाइन फैलाए जा रहे झूठ का फैक्ट चेक करके आईटी सेल के उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर देता है जिसे हजारों आईटी सेल वर्कर्स लोगों के व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर तक पहुंचाते हैं। ओल्ट न्यूज ने बहुत सारे फर्जी दावों की पोल खोलकर एक खास विचारधारा के लोगों का धंधा चौपट कर दिया है। वहीं फेक न्यूज के इस दौर में ऐसी फैक्ट चेक एजेंसी की बेहद अहमियत हो जाती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां एक व्हाट्सएप मैसेज से किसी की लिंचिंग हो जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए अंधभक्त जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को बंद करने की मांग करते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसे दौर में किसी फैक्ट चेक एजेंसी का होना कितनी अहमियत रखता है। आप मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन पर जाएंगे तो आपको ऐसे ट्वीट्स मिलेंगे जो सीधे सीधे बीजेपी के एजेंडे पर हमला करते हैं। खासकर मोदी भक्तों के लिए तो मोहम्मद जुबैर आंख की किरकिरी है, ये हमेशा उनके निशाने पर रहते हैं। क्या आरोप है जुबैर पर? पुलिस के मुताबिक जुबैर के खिलाफ 27 तारीख को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सोमवार को जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूह के बीच में नफरत को बढ़ावा देना और 295A यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके एक पुराने ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक जुबैर ने हनीमून होटल की जगह हनुमान होटल लिखे एक साइनबोर्ड की तस्वीर शेयर की थी जिसे उन्होंने 2014 से पहले और 2014 के भारत की तरह बताया था। जुबैर के इस ट्वीट के खिलाफ बालाजी की जैन नाम के यूजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और जिसके आधार पर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे जिस तस्वीर को जुबैर ने ट्वीट किया वो असल में साल 1983 में आई फिल्म किसी से ना कहना के एक सीन की तस्वीर है जहां नायक और नायिका हनीमून मनाने के लिए होटल जाते हैं और होटल का नाम हनीमून होटल की जगह हनुमान होटल लिखा होता है। इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था, यानी ये फिल्म आज से करीब 39 साल पहले रिलीज हो चुकी है और आज भी YouTube और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन 39 साल में इस सीन से, इस फिल्म से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद जुबैर के वही तस्वीर शेयर करने पर लोग भड़क गए। अगर जुबैर अरेस्ट हो सकते हैं तो फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी और जो उसमें नायक नायिकाएं थे, जिन्होंने पटकथा लिखी थी, जिन्होंने डायलॉग लिखे थे, जिन्होंने सीन लिखा था, उनको भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि भावनाओं को आहत करने वाली फिल्म तो उन्होंने बनाई थी। वैसे पुलिस ने यह अभी तक नहीं बताया कि वो शख्स कौन है जिसकी धार्मिक भावनाएं जुबैर के ट्वीट से आहत हो गई। BBC की पत्रकार सर्वप्रिया सांगवान ने ट्विटर पर लिखा है, उन्होंने लिखा, दिल्ली पुलिस हमें उस आदमी की पहचान बताए जिसकी धार्मिक भावनाएं जुबैर ने आहत की हैं। जाहिर तौर पर आपसे शिकायत करने वाला फेक आईडी है, एक फेक आईडी फैक्ट चेकर की पुलिस से शिकायत कर रहा है। वह ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी एक फेक आईडी है जो जिस पर ये आरोप है कि वो फेक आईडी है क्योंकि उन्होंने अपनी रियल पहचान उसमें नहीं लिखी है, और वो एक फैक्ट चेक करने वाले व्यक्ति की शिकायत पुलिस से करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेती है। ये तो गजब है, मतलब मोदी जी हैं तो फिर सब कुछ मुमकिन है। वैसे जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मचा है, लोग उनके समर्थन में और उनके विरोध में एक दूसरे पर फायर हुए पड़े हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने भी जुबैर की गिरफ्तारी का विरोध किया है। लोग कह रहे हैं कि जुबैर को
निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इसका जवाब आपको पत्रकार मोहम्मद असगर की फेसबुक पोस्ट को पढ़कर मिल जाएगा। वो लिखते हैं, जुबैर की गिरफ्तारी पर मुझे लगता है कि सरकार खुद भड़काऊ काम कर रही है। नूपुर पर इतना हो हल्ला हो रहा था कि सब सरकार के फेवर में था। वो मुस्लिमों को वैसा ही दिखा रही थी जिसे देखकर हिंदू डरे, मगर तभी अग्निवीर बीच में आ गया और मजहबी मामला ठंडा पड़ गया। अब सरकार ने सोचा कि कैसे मुस्लिमों को भड़काया जाए, नूपुर जैसी बयानबाजी कराएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर थू हो जाएगी। अच्छा चलो जुबैर को उठवा लेते हैं, मुस्लिम भड़केंगे और हमारा काम हो जाएगा। इस विवाद में अग्निवीर अपनी जरूरतों को भूलकर हिंदू बन जाएंगे। मगर सरकार ये भूल रही है कि जुबैर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं पत्रकार भी हैं। वो पत्रकार जो झूठ और सच को सामने रखता रहा है, सच सुनने के आदि हो चुके लोग जुबैर के फेवर में बोलेंगे। उम्मीद है मोहम्मद असगर की इस पोस्ट को पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे जुबैर के समर्थक बोलेंगे तो जुबैर के विरोधी भी पलटवार करेंगे। कुल मिलाकर हाय तोबा मची रहेगी और रोजी रोटी जैसी बुनियादी मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अग्निवीर का मामला ठंडा पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि मीडिया ने अपने मालिकों के कहने पर सारा जो कैमरे का फोकस है वो महाराष्ट्र के सियासी संकट की तरफ मोड़ दिया है। और एयरफोर्स में अग्निवीर वायु बनने के लिए 94,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है। तो अब वो मामला धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। जो रोजगार की मांग है उससे हटकर अब फिर से हिंदू मुस्लिम माहौल में मोहम्मद जुबैर के बहाने ये मसला उठाया जा रहा है। जो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है उन्हें हिंदू मुस्लिम की डफली थमा दी गई है। कभी जुबैर के बहाने तो कभी नुपुर शर्मा के बहाने नफरत की धुन बसती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर आप क्या कह रहे हैं, नूपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया उस पर आप क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करेंगे मेरी सहयोगी अज़रा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।